First of all, I have discussed with you AITC, National Parties. Then second, we have discussed BSP. Now third, BJP. BJP party जो है इसका सबसे पहले आपने याद रखना है सिंबल, क्लियर? सिंबल इज लोटस. इसके बाद फिर आपने इसका फाउंडिंग ईयर याद रखना है 1980 फाउंडिंग ईयर. उसके बाद फिर ये याद रखना है कि बीजेपी पार्टी अल्टीमेटली पहले किस पार्ट, किस एसोसिएशन का पार्ट थी, उसका नाम क्या था? भारतीय जन संघ. ये पहले एक एसोसिएशन थी, ये पार्टी नहीं थी. उसका नाम क्या था? एक संघ था, उसका नाम क्या है? भारतीय जन संघ. भारतीय जनसंघ को किसने बनाया था? उनका नाम क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी. और ये कब बना था, ठीक है, वो याद रखना है आपने कि ये कब बना था. 1951, ठीक है, 1951 भारतीय जनसंघ बना. उसके बाद इसको रिवाइव किया, फिर ये पार्टी बनी. अब ये पार्टी क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है. उसके बाद फिर आपने मेन याद रखना है इस पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, मेन इसका बेस जो है, बेस क्या है, किस पार्टी को ये, किस टर्म को, किस अपनी फिलॉसफी को, मैनिफेस्टो में ये इम्पोर्टेंट प्लेस देती है. वर्डिंग, लाइक आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वर्डिंग दी होगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड, ठीक है. इसका पार्टी का मेन जो है वो आइडियोलॉजी क्या है? वॉन्ट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन. ये पार्टी एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहती है, मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, जिसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग वैल्यूज जो है, यानी कि हमारे इंडिया की हर स्टेट की कल्चर एंड वैल्यू को टॉप पे रखना इनकी प्रायोरिटी है, ठीक है. ये पार्टी जो है मेनली, इन पार्टी के कुछ जो मेंबर्स थे, जो पहले भारतीय जनसंघ के मेंबर थे, दीन दयाल उपाध्याय जो थे, वो इस, हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारतीय जनसंघ के इम्पोर्टेंट मेंबर थे, तो वो जो सोचते थे उसको भी, उस उनकी आइडियोलॉजी को भी अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐड किया, ठीक है. देन इनका जो मेन मानना है ह्यूमैनिज्म. ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमैनिटी, लोगों की सेवा करना, एक अंत्योदय, जैसे आपकी एक बुक में एक टर्म दी गई है, अंत्योदय का मतलब होता है सभी लोगों को एक समान मानना, अंत्योदय, ठीक है. तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को आपको पढ़ के रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी पार्टी से रिलेटेड, ठीक है. देन इसके बाद कल्चरल नेशनलिज्म, अंडरलाइन करो इसको, कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो इनका मेन, जिसे हम कहते हैं कि फैक्टर है, पूरी कंट्री को एक कंबाइन कल्चर से जोड़ना. हिंदुत्व, मतलब बेसिकली कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुत्व जो है वो इनका मेन जो है हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करती है, पर ऐसा नहीं है. गिव्स इक्वल चांस टू ईच एंड एवरी वन रिलीजन, ठीक है. देन इनका जो मेन मतलब है, और क्या इनका एजेंडा था? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन. जब ये पार्टी पावर में आना चाहती थी तो इनका मेन मैनिफेस्टो का पार्ट क्या था? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन. और इन्होंने फुलफिल किया भी. पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, ठीक है. बट नाउ, हाँ जी भूमिका, व्हाट हैपन भूमिका? सिर्फ आपका वीडियो ऑन है और आपका स्पीकर ऑफ है, बट प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. यस, डोंट लुक हियर एंड देयर. यस, इसके बाद पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जब ये पार्टी पावर में आई, उस टाइम पीरियड में इनका मेन एजेंडा था जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया को यूनाइटेड करना, और ऐसा किया भी. आर्टिकल 370 अबॉलिश करके इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, जो उसको एक इंपॉर्टेंट स्टेटस दिया गया था, उसको खत्म कर दिया. नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है एंड यूनिफॉर्म लॉ. यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन. सेम रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी एप्लीकेबल इनटू जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर. एंड इसके बाद फिर आपने मेन बताना है कि ये पार्टी जो है अल्टीमेटली 1990 तक कांग्रेस का होल्ड था, लेकिन 1990 के बाद ये पार्टी जो है इसका, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पता लगी. एंड पावर में ये कब आई? 1998 में ये पावर में आई. और ये पार्टी जो है वो किसकी अलायंस, किसके साथ इन्होंने अलायंस बनाई, इसका मतलब क्या है? और भी पार्टीज के साथ मिलकर इन्होंने अलायंस बनाई हुई है. उनकी अलायंस को क्या कहते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. यानी कि इस पार्टी, ये जो पार्टी है एट प्रेजेंट जो है मेजोरिटी में है,
बीजेपी पार्टी जो है वो एनडीए का पार्ट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मतलब है कि अब लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में ना बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी? 303। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए सिर्फ 303 सीट्स रिक्वायर नहीं होती, तो बीजेपी को और भी पार्टीज के साथ जो है वो एक अपनी अलायंस का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए 350 से ज्यादा वोट्स या सभी एमपीज का सपोर्ट लेना जरूरी होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट तभी बनती है जब उस पार्टी को मेजर यानी कि एमपी सपोर्ट करेंगे लोकसभा में। और इसके लिए हर पार्टीज क्या करती है, अलायंस बनाती है। अलायंस का मतलब क्या होता है, दैट एनडीए के अलावा और कौन सी पार्टीज, तो यू हैव टू नोट इट डाउन, एनडीए में बीजेपी के अलावा कौन कौन सी पार्टी है? जनता दल, हाँ जी राइट डाउन, एनडीए का पार्ट कौन कौन सी और भी पार्टीज है, एनडीए में कौन कौन सी पार्टीज है? जनता दल के अलावा ए आई ए डी एम के, ये भी बीजेपी की एनडीए अलायंस का पार्ट है, AIADMK। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया अन्ना, ANNA, अन्ना द्रविड़, DRAVID A, द्रविड़ मुनेत्र, क्योंकि तो तमिल है ये लैंग्वेज, मुनेत्र MUNNETRA, मुनेत्र। कजगम, KAZHAGAM, ये है इस पार्टी का फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIADMK? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये भी एनडीए का पार्ट है, यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करती है ये पार्टी, अलायंस में है। जैसे हमने देखा था ना पंजाब में अलायंस पहले किसकी थी, बीजेपी और अकाली दल, ठीक है, लेकिन अभी अलायंस ब्रोक हो गई, ब्रेक हो गई है ना। ऐसे ही बीजेपी ने और किसके साथ हैंड ज्वाइन किए हुए हैं, AIADMK, इसके अलावा जनता दल, ठीक है, और एक और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, क्लियर। एक और पार्टी है BIJU, बीजू जनता दल। तो ये एनडीए की आपको पार्टीज आ सकती है कि कौन कौन सी पार्टीज एनडीए का पार्ट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि बीजेपी ने किनके साथ हैंड्स ज्वाइन किए हुए हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग कनिष्ठा, नंबर वन जनता दल, नंबर टू AIADMK की फुल फॉर्म ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, क्लियर, और लोक जनशक्ति पार्टी, और एक कौन सी पार्टी है, बीजू जनता दल, ये एनडीए का पार्ट है। तो हम कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी, तो आपने सिर्फ, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, हमने मेन बीजेपी का बताना है कि बीजेपी एनडीए का पार्ट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और इस पार्टी के 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में कितनी सीट जीती इन्होंने, 303, ठीक है, 303 सीट से ये जीते। और मेन आपने ये बताना है कि नाउ करंटली दिस पार्टी इज लीडिंग, ये पार्टी मेजोरिटी से जीतती है, नाउ दिस पार्टी इज लीडिंग, ठीक है। तो ये सारा आपने बताना है, क्लियर, इज इट ओके? हाँ जी कनिष्का, आपका हैंड रेज है बेटा, हाँ जी बोलो। मैम, ये जो आपने बीजू लोक जनसभा शक्ति पार्टी जो सारी बोली है, ये अलाइंस है तीनों? हाँ, ये बीजेपी के साथ एनडीए का पार्ट है, एट प्रेजेंट एनडीए है, एनडीए एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका एक पार्ट है बीजेपी। इस सब में से सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले, 303 बीजेपी को, तो बीजेपी के जो लीडर थे वो बने प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन्होंने जीतने के लिए इस पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले अलायंस की थी। कौन कौन सी पार्टीज, AIADMK, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजू जनता दल, AIADMK, क्लियर, इट इज क्लियर टू यू? कनिष्का माइक ऑन करो बच्चे, हाँ जी भूमिका, यस मैम, क्लियर है ठीक है। मैम। जो आपने AIADMK बताया,
उसका एक बार फिर से बताना कौन कि हो वो गया क्या। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये साउथ इंडियन है इसलिए इसका नेम थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ठीक है, ये आपने प्रॉपर बतानी है कि पार्टी की आइडियोलॉजी, ये पूरा पार्टी की आइडियोलॉजी आपने लर्न करनी है, लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आपने इसको प्रिपेयर करना। तो ये दिस मच इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव, ये आपको किसी भी पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू भूमिका, थैंक यू अंशिका, नाउ इट इज क्लियर, दिस इज क्लियर टू यू अंशिका? यस मैम। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? नो मैम, थैंक यू। तो नाउ टिल द वी हैव कवर्ड AITC, BSP, BJP, ठीक है, अब टोटल 7 पार्टीज हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट रीड ऑल द पार्टीज बिकॉज एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने डिस्कस करना है दो पार्टीज जो हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, CPI CPIM, ये दोनों ही नेशनल पार्टीज हैं। एंड समटाइम्स अगर आपको ये लगता है ना कि लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में अगर कोई पार्टी तो है वो 4 सीट्स अगर नहीं भी ले पाई, लेकिन फिर उससे पिछले वाले इलेक्शंस काउंट किए जाते हैं, तो अगर सपोज इनमें से अगर कोई पार्टी लाइक CPI या CPIM जो है वो 4 सीट्स नहीं ले पाए, तो इससे पहले जो 5 साल से पहले जो लोकसभा के इलेक्शन थे ना उसमें उनका जो रिजल्ट है काउंट किया जाता है। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊंगी कि हाँ जी सपोज अगर CPI ने इस बार बहुत कम सीट्स मिली हैं, CPIM को बहुत कम सीट्स मिली हैं, तो उनका लास्ट उससे पहले वाला लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट काउंट होगा, क्लियर। तो अब हम करते हैं CPI की फुल फॉर्म। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये सेम वैसे ही है जैसे चाइना की पार्टी है, यानी कि हमारी कंट्री में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, पर वो अलग बात है कि हमारी कंट्री में ना CPI कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज जो है वो सोशलिज्म, जैसे रशिया में सोशलिज्म आया था, उनको प्रमोट करती है। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे हम कहते हैं अल्ट्रा रिच VIPs, है ना, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री में 100% सोशलिज्म आए, क्योंकि अगर 100% सोशलिज्म आएगा तो जो लेनिन का रूल था ना रशिया में, सेम हमारी कंट्री में आ जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी विल बी टेकन फ्रॉम द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पीपल, एंड ऑल द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पे ना CPI जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज हैं वो 4 से ज़्यादा सीट्स ले ही लेती हैं। इस बार अगर नहीं हुआ लेकिन पिछले इलेक्शंस में हुआ था तो इन पार्टीज को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला इसीलिए, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है CPI के बारे में, फॉर्म्ड इन 1925। तो ये देखो ये कितनी पुरानी है, इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारी कंट्री में ये पार्टी बनी थी। जैसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो CPI वॉज फॉर्म इन 1925, ठीक है। इनका जो ये जो बिलीव करती हैं, ये बिलीव करती हैं सोशलिज्म, इनका मानना है सोशलिज्म, यानी कि ये जो है ये पार्टी का मेन जो मतलब जिसे कहते हैं कि जैसे रशिया का रेवोल्यूशन था सोशलिज्म लाना, ये उस पार्टी को बिलीव करती है। आइडियोलॉजी दोनों ही पार्टीज की सेम है, यहाँ पे एम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही, ठीक है, ये भी ये पार्टी भी मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, लेनिन, यानी कि ये जो पार्टीज हैं ये पार्टीज बिलीव करती हैं मार्क्स के आइडियाज एंड लेनिन, मार्क्स और लेनिन के आइडियाज को ये पार्टीज जो हैं वो मतलब मेन प्रमोट करती हैं। यहाँ पे एम का मतलब मार्क्सिज्म है, बट इट डजंट मीन, ये पार्टी के आइडियोलॉजी दोनों सेम है लेकिन इनमें स्प्लिट हो गई थी। स्प्लिट का मतलब जब लीडर्स के बीच में आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे कांग्रेस में हो गई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए उनसे, है ना, लेकिन आइडियोलॉजी तो काइंड ऑफ सेम ही है। इसी तरह से CPI जो है ये मेन बिलीव करती है कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी, जैसे रशिया का सोशलिज्म है उन पे बिलीव करती है। सेकुलरिज्म ये पार्टी मानती है सेकुलरिज्म को, ये नो डाउट ये पार्टी भी डेमोक्रेसी लाना चाहती है कंट्री में, डेमोक्रेटिक सिस्टम को। और ये किसको अपोज करते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन, ये मेन पार्टी किसको अपोज करती है, डायनेस्टिक सक्सेशन। इन पार्टीज का ये मानना है कि कंट्री में जो है एक ही पार्टी का होल्ड, यानी कि एक ही फैमिली का होल्ड नहीं होना चाहिए,
ठीक है, फैमिली मतलब जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर एक ही फैमिली किसी पार्टी को लीड करे, तो ये पार्टी अपोज करती है डायनेस्टिक सक्सेशन। और किसको अपोज करते हैं ये? कॉम्युनलिज्म, रिलीजन, रिलीजियस जो है वो इश्यूज, वॉयलेंस, इनको अपोज करते हैं। ये नहीं चाहते कि कंट्री जो है वो अलग अलग वॉयलेंस या रिलीजियस जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, चाहते हैं कि कंट्री में प्रॉपर इलेक्शंस हो, इलेक्शंस के द्वारा हर एक को फेयर चांस मिले जीतने का और एक ही फैमिली का होल्ड ना हो, ठीक है। अब मेन ये किन के लिए मेन वर्क करते हैं, किन की फेवर करते हैं? तो रशिया का रेवोल्यूशन जैसा वर्किंग क्लास, सेम ये पार्टी भी किन को फेवर करती है? वर्किंग क्लास, लेबर्स, फार्मर्स, पुअर पीपल, उनको फेवर करते हैं। लेकिन इस पार्टी में प्रॉब्लम क्या आई, 1964 में ये पार्टी में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, डिवीजन हो गई, यानी कि लीडर्स के बीच में जब आपस में जब होता है कि उनकी आपस में नहीं बनती तो वो पार्टी क्या करते हैं, दो पार्टीज, यानी कि यही पार्टी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो जब हम ये करेंगे ना कि CPIM कब बनी, तो सेम ईयर, इसका ईयर क्या होगा, 1964, ठीक है। तो ये पार्टी जो है CPI 1964 में टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बन गई CPI और एक बनी CPIM। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, बाकी थ्योरी तो सेम ही थी, वो भी मार्क्स के आइडियाज पे ही बिलीव करते थे, ठीक है। अब इसमें इनका मतलब जो है वो मेन सिंबल, इस पार्टी का मेन सिंबल क्या है, सिक्कल। एक तो सिक्कल जिसे हम कहते हैं कि जो फार्मर्स यूज करते हैं, सिक्कल जो फार्म्स में यूज की जाती है, जैसे इसको दराती भी कहते हैं, जिससे फसल को काटा जाता है, सिक्कल। एंड पैडी शील्ड, पैडी शील्ड का मतलब जो चावल, चावल जो होता है या कॉर्न, उसकी शील्ड, उसकी एक स्टिक, सिक्कल। एंड आप कॉर्न भी कह सकते हो उसको, ठीक है, शील्ड भी कह सकते हो, सिक्कल एंड कॉर्न। कॉर्न काइंड ऑफ होता है एक फसल जो है वो ना, सिक्कल एंड कॉर्न, तो ये इसकी जो है वो इनका मतलब मेन जिसे कहते हैं पॉलिटिकल सिंबल है। सिंबल भी आपने याद करना हर पार्टी का, ठीक है। इसके बाद फिर कौन कौन सी स्टेट्स में ये पार्टी का होल्ड है, कुछ स्टेट्स आपने बतानी है कहाँ पर ये मेन, जहाँ पर इनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेन है केरला, सबसे नंबर वन केरला है, केरला जो है वो वहाँ पे CPI का बहुत ज्यादा होल्ड है। देन वेस्ट बंगाल में है इस पार्टी का मेन होल्ड, वेस्ट बंगाल में है। पंजाब में भी कुछ मतलब है, जैसे पूरा नहीं है, बहुत कम है। देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो 4-5 स्टेट्स में है ये कवर करती है, ठीक है। देन इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन, यानी कि आगे से आगे ये डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है बढ़ रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है कंट्रोल लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि जितना गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होगा, जैसे सपोज अगर कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर है तो वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी एज कम्पेयर टू प्राइवेटाइजेशन। तो आगे से आगे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसलिए ये पार्टी का जो है इन कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो रिच पीपल है वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी इनको वोट नहीं करते, है ना। तो अब हमने इसका करना है कि लोकसभा इलेक्शंस में इसको कितनी सीट्स मिली, कितनी सीट्स मिली, ओनली दे गॉट ओनली 2 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। 2019 में इस पार्टी को कितनी सीट्स मिली, ओनली 2, 19 इलेक्शंस, 2 सीट्स दे वन। लेकिन 2 सीट्स मिली, इसका मतलब ये नहीं कि इनका नेशनल रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टी है इसका बेस 4 स्टेट से ज्यादा है। सपोज अब ये याद रखो, अगर कोई पार्टी अगर सपोज किसी पर्टिकुलर इलेक्शंस में कम जो है वो नंबर सीट्स लेती है, तो फिर देखते हैं कि उस पार्टी का होल्ड असेंबली इलेक्शंस, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस काउंट किए जाते हैं, असेंबली इलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट 4 स्टेट्स। यानी कि अब मैंने आपको स्टेट्स गिनाई कौन कौन सी, केरला, केरला की असेंबली में, यानी कि केरला में इसके MLA आए, उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी इस पार्टी के MLA बने, उसके बाद पंजाब में भी कुछ सीट्स MLAs इस पार्टी ने जीती, आंध्र प्रदेश में भी कुछ परसेंट सीट्स इनकी पार्टी ने जीती MLA बने, और तमिलनाडु में मोर देन 4 स्टेट्स, यानी कि
2009 में चाहे 19 में चाहे इस पार्टी को नेशनल लेवल रिकॉग्निशन के लिए प्रॉपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन 4 स्टेट से ज्यादा यानी कि 4 से ज्यादा स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में इनकी पार्टी के MLAs बने, तो इनका नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन जो था वो मेंटेन रहा। ठीक है, अब सपोज इनको लोकसभा में भी सीट्स ना मिले और किसी भी स्टेट में 4 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस में इनके MLAs नहीं बनते या 6% जो है टोटल वोट्स का ये नहीं लेती, तो इनकी लीगल रिकॉग्निशन जो है नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन अगले इलेक्शंस में अगर ऐसा रहता है तो खत्म हो सकती है। ये मतलब है, इज इट क्लियर? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी, यू कैन आस्क बेटा। यस कनिष्का, हाँ जी आस्क योर डाउट। मैम ये जो CPI और CPIM है इनको अपने अलग अलग पार्टीज में लिखना है कि एक में ही दोनों को कंबाइन करके लिखना है? AITC लग है, नंबर 2 BSP, नंबर 3 BJP, नंबर 4 CPI, नंबर 5 CPIM। मैं अब CPIM का करवा रही हूँ अभी आपको, आगे करवाऊंगी CPIM। अभी तक मैंने सिर्फ CPI डिस्कस किया आपके साथ, अब हम डिस्कस करेंगे CPIM अगली पार्टी। ये 5th पार्टी है, इसको भी नेशनल पार्टी की ही लिस्ट में रखा गया है। इज इट ओके? Yes, ma'am. Okay. Oh. हाँ जी, अब हम करते हैं CPIM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। M यहाँ पे मतलब है मार्क्सिस्ट, MARXIST। यहाँ पे M का मतलब क्या है? मार्क्सिस्ट। ये पार्टी कौन से ईयर में बनी? 1964। इस पार्टी का सिंबल क्या है? सिकल, हैमर एंड स्टार। इस पार्टी का सिंबल क्या है? सिकल, हैमर एंड स्टार। सिकल, हैमर एंड स्टार इज द सिंबल ऑफ दिस पार्टी। सिंबल याद होना चाहिए। अब इसके बाद फिर आपने याद रखना है इस पार्टी का जो मेन थीम क्या है। ये पार्टी किसको सपोर्ट करती है? सेम मार्क्सिस्ट लेनिन की आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। तीनों वर्ड याद रखो, ये पार्टी सेम जैसे पिछली थी, काइंड ऑफ सेम ही है। ठीक है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी काइंड ऑफ सेम ही है, बस इनका मेन याद रखो, इनका फाउंडिंग ईयर अलग है, इनका सिंबल जो है वो अलग है उस पार्टी से। ठीक है, किसको अपोज करती है? अपोज करती है ये इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, वो भी सेम ही कम्युनलिज्म को अप्रो, ये भी कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म क्या होता है? रिलीजियस जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी उसको अपोज करती है। ये दोनों सेम सिंबल सेम ही आ जाएगा। ठीक है, देन इसके अलावा अब इसकी स्टेट्स याद रखो, कौन कौन सी स्टेट्स में ये मेन है? वेस्ट बंगाल। अब याद रखना ये भी 4 से ज्यादा स्टेट्स में है। नो डाउट लोकसभा में इसको सिर्फ कितनी मिली? 3 सीट्स। इस पार्टी को सिर्फ 3 सीट्स मिली पिछले इलेक्शन में, 3 सिर्फ MP बने हैं इनके 2019 में, ओनली 3। ठीक है, लेकिन अब इस पार्टी का होल्ड मेन 4 से ज्यादा स्टेट्स में है, यानी कि 4 से ज्यादा स्टेट्स में इनके MLAs बने हैं, तो इसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन सी स्टेट्स में है? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। ठीक है, मेन याद रखो इनका बेस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सेम स्टेट्स वही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली CPI को जहाँ पे मतलब करते हैं होल्ड है, तो वहाँ पे उन स्टेट्स में है ही। तो मोर देन 4 स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस में इनके MLAs बने। ठीक है, और ये पार्टी जो किसको सपोर्ट करती है? सेम फार्मर्स, लेबर्स, लेबर्स वर्कर्स। ठीक है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, इनका मेन मानना है टू गिव पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, सबको इक्वल जस्टिस देना। ठीक है, देन इसके अलावा इस पार्टी के इलेक्शंस की अगर बात करें तो सिर्फ इनको मिली थी 3 सीट्स। 3 सीट्स का मतलब ये सिर्फ 3 MP बने हैं इस पार्टी के। तो मेन इनका मतलब है कि ये चाहते हैं कि कंट्री जो है वो अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन ना हो बल्कि गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा हो। ये नई फॉरेन पॉलिसीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे चाहते हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन कम हो बल्कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल,
आपको पता है ये पार्टी वाज इन पावर वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 इयर्स, यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इस पार्टी का होल्ड माना गया है। 34 इयर्स तक वेस्ट बंगाल में ये कॉन्टिन्यूटी में पावर में रही। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये वहां पे वेस्ट बंगाल में कितनी ज्यादा पावरफुल रही पार्टी, और लोकसभा के इलेक्शन में दे वन ओनली 3 सीट्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको हर पार्टी की एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके नाम, ठीक है, उनके सिंबल्स, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन जितनी बार रीड करोगे ना उतना ही आपको ये याद होगा। लेकिन रीड इट एवरी डे, डू प्रैक्टिस, हर रोज आपने एटलीस्ट 2 पार्टीज को बार बार रीड करना है, तभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लर्न होगी। क्योंकि एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू सोर्स बेस भी आ सकती है, क्वेश्चन बेस भी आ सकती है। अब हमारी रह गई है 2 पार्टीज और, एक रह गई INC, एक रह गई है NCP। वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक 6th and 7th पार्टी। एक हम करेंगे NCP और एक हम करेंगे INC। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीक। क्लियर? एनी डाउट बेटा? यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? But till now, I am giving you some work. You have to do. You have to collect extra information. आप सब, मैंने आपको NDA का बताया ना कि NDA, आपको ना इन सभी parties के name याद करने हैं। NDA, UPA, UPINC, UPA का part। तो UPA में INC के अलावा और भी बहुत सी parties हैं, छोटी छोटी parties हैं, more than 10 छोटी छोटी parties हैं जिन्होंने INC के साथ alliance बनाया हुआ जीतने के लिए। मल्टी पार्टी सिस्टम है ना हमारी कंट्री में। इसके अलावा हमारे कंट्री में सिर्फ ये 2 अलायंस नहीं है, और भी अलायंस है जिनको बोलते हैं राइट फ्रंट एंड लेफ्ट फ्रंट। सो ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज। ये अलायंस है, पार्टी का नाम नहीं है। पार्टी का नाम ये नेशनल पार्टीज है, ये अलायंस है। जैसे मैंने आपको NDA का बोला, ऐसे ही हमारी कंट्री में UPA भी है, राइट फ्रंट भी है, लेफ्ट फ्रंट। सो यू हैव टू कलेक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज कि हमारी कंट्री में राइट फ्रंट में कौन कौन सी पार्टीज है, लेफ्ट फ्रंट में कौन कौन सी पार्टीज है, UPA NDA। ये काइंड ऑफ अलायंस बनाइए, जैसे पंजाब में अकाली BJP का अलायंस थी, ऐसे ही अलग अलग पार्टीज ने मिलकर कुछ अलायंस बनाई हुई है। ठीक है, तो यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सो एनी डाउट यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? हाँ जी राघव अरोरा। हाँ जी, हम CPI और CPIM में स्प्लिट क्यों हुआ था? रिगार्डिंग देयर आइडियोलॉजी, जैसे हम कहते हैं ना कांग्रेस में स्प्लिट क्यों हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड नवजोत सिद्धू में, काइंड ऑफ कई बार क्या होता है एक ही पार्टी में कुछ आइडियोलॉजी से लेकर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो क्या होता है कि लीडर जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है पार्टी में स्प्लिट पड़ जाता है और वो अलग से एक पार्टी बन गई, ये रीजन है। ठीक है बेटा, इट इज क्लियर? यस मैम, यस मैम।